हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम आज बात करेंगे मोबाइल पीसीबी में लगा हुआ कंपोनेंट कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर का आज हम ऑल ओवर देखेंगे कि कैपेसिटर कैसा दिखता है, और बहुत सारे मदरबोर्ड में हम आपको कैपेसिटर के बारे में बताएंगे, इसकी पहचान, इसकी वर्किंग, इसकी शॉर्ट कंडीशन, इसकी लीकेज कंडीशन, हर कंडीशन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई है वो इसको तोड़ के फेंक देते हैं, उससे क्या फॉल्ट आएगा या उससे क्या आपके फ़ोन में ख़राबी आ सकती है, इसके बारे में भी बताएंगे। एक हमारे पास ये बेसिक सा बोर्ड है, वीवो का है। तो सबसे पहले देखिए कैपेसिटर की पहचान क्या होती है। ये हमारे मोबाइल पीसीबी में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी कंपोनेंट लगा होता है तो वो कैपेसिटर लगा होता है। जैसे देखिए ये बड़े में, पहले हम आपको बड़े में दिखाएंगे। ये देखिए इधर ये बड़े में लगे हुए हैं, इधर ये जितने भी लगे हुए हैं ब्राउन कलर से, ये सारे कैपेसिटर। इधर ये लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर है, और ये छोटे वाले, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, और बगल में दोनों तरफ सिल्वर, बीच में ब्राउन होंगे और दोनों तरफ सिल्वर होंगे, ये पहचान रहती है। जैसे हम एक दूसरा बोर्ड ले लेते हैं, एक ये हमारे पास बोर्ड है, ये देखिए ये जो भी दिख रहे हैं आपको, ये आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं। यानी कि मोबाइल पीसीबी में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपोनेंट लगा होता है तो वो कैपेसिटर लगा होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉर्टिंग के केसेस में सबसे ज़्यादा शॉर्ट होने वाला कंपोनेंट आपका कैपेसिटर ही होता है, ठीक है? वो चाहे हाफ शॉर्ट हो या फुल शॉर्ट हो, वो डिपेंड करता है कि फ़ोन में कैसे शॉर्टिंग आई है और किस तरीके से शॉर्टिंग आई है, ठीक है? तो अभी मैंने आपको इस कैपेसिटर की पहचान बताई है, यानी कि पूरा ब्राउन होगा और दोनों पॉइंट कैसे सिल्वर के होंगे, ठीक है? ये हो पहचान। हम अब आपको बताएंगे टेस्टिंग, कि इसकी टेस्टिंग क्या होती है। कैपेसिटर को टेस्टिंग करने के लिए हमको मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखना होगा, ठीक है? ये बजर रेंज पर हमने सेट कर रखा है। अब देखिए, अगर नॉर्मल सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग अगर करनी है आपको, तो आप कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे रख के इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है तो भी ठीक है, अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे इसमें देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो भी ठीक है। लेकिन अगर ये बीप कर जाता, हम दोनों पॉइंटों पे लगाने पे ये बीप आ जाती इस पे, तो ये आपका कैपेसिटर शॉर्ट होता। तो अभी ये कैपेसिटर आपका जो है वो बिल्कुल ओके है, परफेक्ट कंडीशन में। अब ये सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग हो गई, अब हम इसको चेक करेंगे ग्राउंड से, ठीक है? तो ये हमारी रेड प्रोब है, इसको हम ग्राउंड पे रखेंगे। इधर आप देखिए, इधर टेस्ट करेंगे कैपेसिटर को, एक तरफ बीप आ रही है और एक तरफ वैल्यू आ रही है, यानी कि जी आर आ रहा है, ठीक है? एक तरफ वैल्यू और एक तरफ जी आर, इस तरफ बीप आ रही है आपकी और इस तरफ जी आ रहा है, ठीक है? यानी कि ये कंपोनेंट जो जो कैपेसिटर है ये पैरेलल पे लगा हुआ है, यानी कि इसमें एक प्लस है और एक माइनस है। और बता दें, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो कैपेसिटर होता है पैरेलल पे लगा होता है आपकी पूरी पीसीबी में। सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपोनेंट पैरेलल पे लगा हुआ है तो आपका कैपेसिटर है। अगर कोई कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप कर रहा है तो वो शॉर्ट होता है, ठीक है? अभी तक हमें शॉर्ट कंपोनेंट इसमें मिला नहीं, क्योंकि ये सारे पैरलर पे लगे हुए हैं। एक हमें यहाँ पे ये कैपेसिटर मिला है छोटा सा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस तरफ भी वैल्यू दे रहा है और इस तरफ भी वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये हमारा जो कंपोनेंट है ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है? सीरीज पैरलर क्या है, अगर बहुत विस्तार में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वैसे तो हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट वगैरह, उनको सबको पता है कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, ठीक है? तो ये है जो दोनों तरफ वैल्यू आ रही है, ये कैपेसिटर तो ओके है ही है, प्लस ये कैपेसिटर लगा है सीरीज में। और वहीं ये कैपेसिटर एक बड़ा वाला, ये देखिए इस तरफ वैल्यू आ रही है और इस तरफ बीप आ रही है, ये लगा हुआ है आपका पैरेलल पे, ठीक है? अब हम शॉर्ट कैपेसिटर आपको ढूंढ के बताते हैं कि शॉर्टिंग किस केस में होती है और कैसे शॉर्टिंग के कैपेसिटर को चेक करते हैं। देखिए इधर भी बीप कर रहा है, ये इधर भी बीप कर रहा है, यानी कि ये दोनों साइड से बीप कर रहा है, तो ये शॉर्ट कंपोनेंट हो गया आपका। ये कैपेसिटर कैसा है? शॉर्ट है। और यही शॉर्ट कंपोनेंट देख के
कई टेक्नीशियन भाई इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्टिंग निकालने का मेथड अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कंपोनेंट शॉर्ट है तो शॉर्टिंग इसी में, शॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है, इस लाइन में कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है। यानी कि इस कैपेसिटर से जो लाइन आई है वो जितनी भी जगह गई होगी, शॉर्टिंग होने के चांसेस उतनी ही जगह हो सकते हैं। अब हो सकता है कि पर्टिकुलर यही कैपेसिटर ख़राब है, हो सकता है इस लाइन में लगा हुआ कोई कंपोनेंट कैपेसिटर लगा है, या आपका डायोड लगा है, या आपका रजिस्टर लगा है पैरलर पे, जो भी। और शॉर्ट हमेशा वही कंपोनेंट होगा जो पैरलर पे लगा होगा, एक बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सीरीज में शॉर्टिंग नहीं होती है, शॉर्टिंग होती है आपकी पैरलर में। तो अभी ये देखिए, शॉर्ट कंपोनेंट हमने आपको चेक करके बताया, दोनों तरफ देखिए ये बीप कर रहा है। अब जैसे शॉर्ट कंपोनेंट है, अब जब आप शॉर्टिंग निकालने जाते हो तो वोल्टेज किस तरफ इसमें दिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ ये बीप बज रहा है, ठीक है। शॉर्टिंग निकालने का मेथड अलग है वैसे तो, लेकिन हम आपको बताए दे रहे। देखिए, जैसे ही मैंने इस पर रखा, ये बीप के साथ 2, 1, 3 ऐसे वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और इस तरफ देखिएगा, इस तरफ ये बीप के साथ 44 वैल्यू दे रहा है, 44, ठीक। तो यानी कि इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव सिरा है वो ये है, और जो माइनस सिरा है वो ये है। अगर ये सिरा 0 के साथ बीप करता और ये सिरा 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर जितने बीप के साथ बीप कर रहा है, तो ये प्लस हो गया उसका और ये माइनस हो गया। अब जब आप शॉर्टिंग निकालने जाते हो तो डीसी मशीन का जो प्लस वाला वायर होता है वो इसके प्लस पे लगाओ, तब आपकी शॉर्टिंग निकलेगी। तो ये कैपेसिटर को पहचानने का, चेक करने का तरीका था, शॉर्ट कंपोनेंट कैसे चेक करेंगे कैपेसिटर को, ठीक है, सीरीज पैरेलल कैसे चेक करेंगे, ये मैंने इस वीडियो में बताया आपको।